खांसी कर रहा है, वो दम नहीं धरा जा रहा है। ही निकल कर जब ज्यादा हो गया तो मैं भागी थी। हम लोग सोचे थे ऐसे दवाई छिटाया हुआ तो फिर हम लोग उसमें मरेंगे थोड़ी। ਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੱਟੀ ਰਾਤ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਰਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ, ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ऐसा कुछ केमिकल टाइप का आया कि सांस लेने में मैंने सबको प्रॉब्लम हो गया, बूढ़े से बच्चे तक का, तो सारे भाग के हम लोग TDI में आए हैं। तो इधर कुछ हाई रिलैक्स मिला है हमको, लेकिन अभी आधा घंटा पहले जो था लगता था कि पूरा मतलब बुरा हाल था यहाँ तो बहुत ज्यादा। पता नहीं कि कोई स्मेल आई है पीछे से, हमारे घर के पीछे से, फिर उसे करके सानू गले में तकलीफ हुई, सांस रुक गया, खांसी हो गई, किसी तरह काम तुम के लेके आए बाहर, बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आए। ਕਲੋਰੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ 8:30 8:30 8 9 ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਤੇ ਵਹਾਂ ਇਤਨਾ ਆਖਰ ਮਿਰਚ ਪੂਰਾ ਹਾਲ, ਉਧਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਗਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਜੀ। ਉਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ और कहाँ कहाँ गए सारे बच्चे, उस एरिया के अंदर में कोई भी आपको पब्लिक इस वक्त नहीं मिलेगा जी। साढ़े बच्चे साढ़े जो है साढ़े टिड्डियाँ जहाँ संघ मिल सके। ये गुरुद्वारा साहब के बाबा जी साढ़ा साथ ना देंगे, अलॉटमेंट ना कराते जी, ये होर भी लोगों का बहुत नुकसान होना। अच्छा, मेरे नाल दी दुकान के मोरे कम से कम 4-5 बंदे डिगते हुए देखे जी, डिगते हुए गिरे गए, खांसते खांसते हुए बंदे डिग गए जी वहाँ, है ना। तकरीबन कोई 8 बजे के करीब ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। आप जहाँ पे ये गैस लीक हुई आप वहाँ पे रहते हो जी? हाँ जी। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अंदर कॉलोनी में? दिक्कत यही है जो सांस नहीं धरा जा रहा है, बहुत खांसी कर रहा है, वो दम नहीं धरा जा रहा है। और कितनी देर होगी ये गैस सिलेंडर फटेगा जो पानी वाला जो? वो तो 6:30 बजे से मुँह करा था, 6:30 बजे से। मगर हम लोग अभी निकल कर जब ज्यादा हो गया तो मैं भागी थी। हम लोग सोचे थे ऐसे दवाई छिटाया हुआ। कितनी देर होगी आपको यहाँ बैठे हुए? हमारा तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी तक अंदर जाने का कोई पसीजर, कोई माहौल ठीक नहीं हुआ जी? कोई नहीं है अभी, अभी तो बहुत तेज, अभी तो मुझे लग रहा है इतना तेज है, आप जाके देख लीजिए ना, सीना अटैक कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो आप बच्चा लेके बाहर आ गए फटाफट जी, तो फिर हम लोग उसमें मरेंगे थोड़े।
आप कहाँ से बोलोगी से? गैस लीक होने की खबर मिलदिया ही प्रशासन भी तुरंत हरकत विच आ गया अते मौके ते पहुंचे मोहाली दे SDM श्री जगदीप सैगल की अगवाई विच फायर ब्रिगेड पुलिस अते जल सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने मौके ते पहुंच के कार्रवाई आरंभ की। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लीक हो रहे क्लोरीन गैस के सिलेंडर नू उत्थों कढ के बाहर खुले मैदान विच खड्डा पुट के दबाया, जिस तो बाद गैस का असर घट होना शुरू होया। इस दौरान SHO बलोंगी अमरदीप सिंह की अगवाई विच पुलिस अते फायर विभाग की टीम वल्लों पानी की टैंकी दे नाल लगदे खेतर नू खाली करवाया गया। राहत कार्यां दौरान पुलिस अते फायर विभाग के अधिकारी अते कर्मचारी भी गैस की लपेट विच आए अते उन्हां नू भी इलाज करवाउणा पिया। टैंकी दे आस पास दे खेतर नू खाली करवाउण लई मुनियादी भी करवाई गई अते लोकां नू खुली थां विच जाण दी सलाह दित्ती गई। गैस दी दहशत विच आए वड्डी गिनती पिंड वासी पिंड दे नाल लगदी TDI सिटी विच इकट्ठे हो गए अते उन्हां ने खुले मैदान विच ही रात कट्टी। केड़ी गैस है भाजी जिहड़ी लीक होई है? अलमोनियम है। कलोनियम एक की जब टैंकी दे विच पई सी ते किदा लीक किदा होई है? ज्यादा दिक्कत दे रही है। ओके, ते तकरीबन कोई इत्थे जो कोई बेहोश वगैरह वगैरह तो नहीं होया जी? अच्छा, 6 फेस हॉस्पिटल च गए जी। तकरीबन किन्ने को बंदे बेहोश हो गए हैं? 8-10 हो गए जी। ठीक है, एक किन्नी को देर तक मतलब अपना सेट हो? प्रशासन वालों बीमार होए लोगों को हस्पताल पहुंचाया गया जिथे उन्हों का इलाज किया गया। रात वेले ज्यादातर व्यक्तियों नू हस्पताल तो छुट्टी मिल गई सी। देर रात तक पिंड विच प्रशासन की कार्रवाई जारी सी जिहड़ी रात 12 बजे तक चलती रही। स्काई हक टाइम्स लई पवन रावत दे नाल जसविंदर सिंह की रिपोर्ट।